हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो सेकंड ओडीआई का मुकाबला खेले जाएगा, तो सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। साथ ही साथ फैंटेसी की क्या बेस्ट टीम बना सकते हैं वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। आईपीएल के मैचेस से हटके अगर हम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पर फोकस करें तो इससे भी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मैच डिटेल्स की। तो यह है दूसरा ओडीआई मुकाबला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वेन्यू सेम होगा, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में यह मैच खेला जाएगा 31 मार्च को 3:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। पिच रिपोर्ट की बात करें तो आपने देखा ही था, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस की स्कोरिंग करी थी और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जल्दी आउट हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और पाकिस्तान का होम ग्राउंड भी है, तो पाकिस्तान को वीक मत समझिएगा। आगे हम बात करते हैं प्लेयर बैटल की। तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ बैट्समैन है जो पाकिस्तान बॉलर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। अगर हम देखें तो हसन अली जो ट्रेविस हेड के सामने बॉलिंग करते हैं, 68 बॉल्स में 2 बार विकेट निकाली है बट अच्छे खासे रन भी खाए हैं। यहां पे जेड महमूद ने का एक बार विकेट निकाला हुआ है और इसके अलावा यहां पे हारिस रॉफ ने स्टोइनिस का एक बार विकेट निकाला हुआ है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल्स नहीं है बट फिर भी देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन बोलर्स की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जंपा ने रिजवान का 2 बार विकेट निकाला है और काफी रन भी रोके हैं। इसके अलावा स्वेप्सन ने बाबर आजम का 1 बार विकेट निकाला है, नेथन एलिस ने इमाम हुलक का 1 बार विकेट निकाला है और सीन एबर्ड ने फकर धमन का 1 बार विकेट लिया है। तो ये कुछ स्टैट्स है। आगे हम बात करते हैं फैंटेसी टिप्स की। तो इस दौरे पे किस प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो पिछले मैच में ट्रेविस हेड ने सबसे शानदार परफॉर्मेंस दिया, बैटिंग से 100 प्लस लगाया और 2 विकेट भी निकाले थे। तो पर मैच फैंटेसी पॉइंट इनके काफी बढ़ गए हैं, यानी उस मैच में 195 फैंटेसी पॉइंट इन्होंने दे दिए थे पॉइंट्स पर मैच। अगर हम देखें बेन मैकडोमेट ने 67 पॉइंट दिए थे और इमाम उलक ने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस देकर 129 पॉइंट्स गेन किए थे। बाबर आजम मात्र 71 पॉइंट्स अर्न कर पाए थे और क्रिस ग्रीन ने 61 पॉइंट्स अर्न कर दिए। बॉलिंग में जंपा ने सबसे शानदार बॉलिंग करी थी, पाकिस्तान की तरफ से हारिस रॉफ ने सबसे अच्छी बॉलिंग करी थी और स्वेप्सन को भी 2 विकेट सेकंड बॉलिंग के केस में मिल गई थी, स्पिन बॉलर है ये। आगे हम वेन्यू स्टैट्स की बात करें तो इस वेन्यू पे 61 मैचेस खेले गए, बैटिंग फर्स्ट टीम है, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करती है। यहां से हम देख सकते हैं एवरेज स्कोरिंग 250 की है, हाईएस्ट 375 पाकिस्तान का है और लोएस्ट भी 75 फॉर ऑल आउट पाकिस्तान का ही स्कोर यहां पे बना हुआ है। मैक्सिमम टाइम स्कोरिंग 250 से 299 होती है। जब आप रेंज देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी जो है वो 250 से 299 की है, उसके बाद 200 से 249 है। 300 के ऊपर 10 बार बना है और 200 के नीचे 11 बार बना है, बट जो पॉसिबिलिटी है वो 250 से 299 की ज्यादा रहेगी। आगे हम बात कर लेते हैं आखिरी मैचेस की जो इस वेन्यू पे खेले गए। तो लास्ट मैच तो आपने देखा ही था, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैटिंग करके 313 बनाया था और पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करके मात्र 225 बना पाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच को 80 रन से जीत लिया था। इसके पहले भी कुछ मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए थे, वो आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं आईसीसी ओडीआई रैंकिंग की। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है और पाकिस्तान सिक्स्थ पे है। 105 हेड टू हेड मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने 69 जीते, पाकिस्तान ने 32 जीते। लास्ट 5 के 5 मैचेस देखिए हेड टू हेड के ऑस्ट्रेलिया ही जीती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ी सी दमदार टीम नजर आ रही है, बट फिर भी मैं यही बोलूंगा पाकिस्तान को वीक मत समझिएगा। रिसेंट फॉर्म देखें तो आखिरी 5 में से 3 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत के आई है और पाकिस्तान आखिरी 5 में से सिर्फ 1 मैच को जीत के आई है। रिसेंट परफॉर्मेंसेज आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने किन टीमों के ODI में मैचेस खेले, कितना कितना स्कोर करा, बैटिंग फर्स्ट करके खेला या सेकंड करके खेला और जीते या हारे, वो सब मेंशन्ड है ऑस्ट्रेलिया का भी और पाकिस्तान का भी। तो आपको इससे टीम हिस्ट्री समझ में आ जाएगी रीसेंट टाइम पे क्या चल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबलों की। तो लास्ट मैच आपने देखा ही था जो 29 मार्च को खेला गया, उसके पहले 2019 में कुछ मैचेस खेले गए थे, ये जो वो मैचेस हैं। तो जहां तक आप देखेंगे तो दोनों टीमों के बीच में अच्छे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में 250-300 से ऊपर स्कोरिंग हो जाती है, ये चीज हमने यहां से नोटिस करी है। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं टॉप प्लेयर्स की जो इस वेन्यू पे देखे गए। तो टॉप प्लेयर्स वही होंगे जिन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी थी। तो यहां पे देख सकते हैं पिछले मैच में ट्रेविस हेड ने 101 रन बनाए थे और इमाम ने 103 बनाए थे, बाबर ने 57 बनाए थे, मैकडोमेट में 55, क्रिस ग्रीन ने 40 और खुशदिल शाह ने 19 रन बनाए थे। विकेट टेकर्स की बात करें तो एडम जंपा 4 विकेट लेके गए थे, जेड महमूद को 2 विकेट मिली थी, रॉफ को 2 विकेट, ट्रेविस हेड को 2 विकेट, स्वेप्सन को 2 विकेट और आई अहमद को 1 विकेट मिली थी, इफ्तिकार अहमद को। तो ये कुछ प्लेयर्स के परफॉर्मेंस थे। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो प्लेइंग 11 और प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ट्रेविस हेड ओपन कर रहे हैं एरन फिंच के साथ, हेड का 34 का बैटिंग एवरेज बनता है ओडीआईज में और फिंच का 41 का बनता है, बट ट्रेविस हेड जो है ये बॉलिंग एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 5 से 6 ओवर के आसपास इनसे उम्मीद करी जा सकती है और अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। देखिए बैक टू बैक 100 लगाए इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, यानी इनका हेड टू हेड बहुत शानदार है। लास्ट 2 मैचेस से तो पाकिस्तान के खिलाफ 100-100 लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए कप्तान
कप्तानी वाइस कप्तानी के अच्छे पिक होंगे। एरन फिंच को भी हल्के मत लीजिएगा, इनका हेड टू हेड भी काफी अच्छा है, यानी अपोजिशन टीम के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ जो परफॉर्मेंस इनकी आई है चार मैचेस में वो काफी बढ़िया आई है। लास्ट मैच में 23 और उसके पहले देखेंगे तो काफी मैचेस में अच्छा स्कोरिंग है, तो इनसे इस मैच में उम्मीद अच्छी रहेगी। वहीं हम बात करें बेन मैकडॉर्मेट की, तो 3 मैच में 83 रन से ओडीआईज में 3 मैच आप इनके देख सकते हैं और हेड टू हेड का लास्ट मुकाबला जिसमें इन्होंने 55 लगाया। फिर आते हैं मानुस लेबुशेग ने, थोड़ा सा पाकिस्तान का दौरा इनका अच्छा नहीं चल रहा है, रिसेंट फॉर्म देखें तो देखिए टेस्ट वेस्ट रीड में भी उतना अच्छा नहीं कर पाए, रिसेंट फॉर्म अगर आप ओडीआईज में देखें तो उतनी अच्छी नहीं दिख रही और हेड टू हेड भी खराब है, बॉलिंग भी पिछले मैच में नहीं करी, इसलिए थोड़े से अनइंपॉर्टेंट पिक होंगे। इंपॉर्टेंट पिक में यहाँ पे एरन फिंच ट्रेविस हेड सबसे इंपॉर्टेंट पिक होंगे, लेने को आप लेबुशेग को ले सकते हैं बट फॉर्म थोड़ा सा खराब देखने को मिल रहा है इस पाकिस्तान दौरे पे। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्कस स्टोइनिस की, तो 2 से 3 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं और बैटिंग अच्छी करते हैं, रिसेंट फॉर्म यहाँ से देखिए, हेड टू हेड यहाँ से देख लीजिए, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करेंगे तो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। एलेक्स कैरी की रिसेंट फॉर्म ओडीआई में देख सकते हैं, हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, लास्ट 3 मैच में सिर्फ 1 बार 50+ की स्कोरिंग है, बाकी टाइम स्कोरिंग कमजोर रही है। कैमरून ग्रीन 3 से 4 ओवर बॉलिंग करते हैं, उतने विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर नहीं है, साथ ही साथ बैटिंग में इनसे टीम अच्छा बैकअप ले लेती है, तो एज अ ऑलराउंडर देखें तो ठीक ठाक पे एक ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए रहेंगे और आपके लिए भी। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं और प्लेयर्स की, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे सीन अबॉट, जो कि बैटिंग में अच्छा खासा बैकअप दे सकते हैं और बॉलिंग भी 8 से 10 ओवर इनको करनी चाहिए। आखिरी 3 मैचेस से हर बार 1 विकेट ओडीआई में मिली है और अपोजिशन टीम के खिलाफ भी हर बार 1-1 विकेट निकाला है। नेथन एलिस ने पिछले मैच में 1 विकेट निकाला, वही इनका अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड था, टीम के लिए प्रॉपर डेथ बॉलर है तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एडम जंपा ने भी लास्ट मैच में डेथ में भी बॉलिंग करी थी और इनका रिकॉर्ड वैसे भी देखिए रिसेंट टाइम में भी बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया बॉलर ऑस्ट्रेलियन टीम में यही है इस टाइम पे, और अपोजिशन टीम के खिलाफ भी देखिए आखिरी 4 मैच में 2 बार 4-4 विकेटें निकाली, यानी टोटल 4 मैच में 10 विकेटें तो ये पाकिस्तान की ले चुके, यानी पर मैच इनका 2.5 विकेट के आसपास बनता है। ये प्लेयर बहुत पोटेंशियल रखता है खास करके सेकंड बॉलिंग के केस में। फिर आते हैं स्वैप्सन, जिनको लास्ट मैच में 2 विकेटें मिली, वही इनका अपोजिशन के खिलाफ रिकॉर्ड था 2 विकेट का, लास्ट मैच में स्पिनर्स ने काफी अच्छा किया था, ये चीज को भी थोड़ा सा पॉइंट आउट करिएगा। बेंच में इनके पास बेन डॉर्शियस है और जेसन बेरेंड्रॉफ है, अगर टीम खिलाना चाहे तो बेरेंड्रॉफ को खिला सकती है, इनका हेड टू हेड भी पाकिस्तान के खिलाफ काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की, तो इसमें देखिए ओपनिंग प्लेयर आपको दिखेगा फखर जमन और इमाम उलक का। फखर जमन देखिए ओडीआई में अभी आखिरी 3-4 मैचेस से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि उसके पहले काफी बढ़िया खेल रहे थे, हेड टू हेड थोड़ा सा खराब भी दिख रहा है इनका, बट फिर भी रेप्यूटेड प्लेयर है, आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। इमाम की बात करें तो 49 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म ठीक लग रहा है पिछले 2 मैचेस से और अपोजिशन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखिए लगातार इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, लास्ट मैच में 103 लगाया, उसके पहले 53, उसके पहले 46, तो पास हिस्ट्री इनकी काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद बाबर आजम आते हैं, ये भी काफी बढ़िया करते हैं ओडीआईज में और अपोजिशन टीम के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, आखिरी 4 मुकाबलों में देखिए इनके 1 50+ का स्कोर है, 100 का स्कोर है, 2 30 और 30+ के स्कोर है, तो ओवरऑल देखेंगे तो काफी बढ़िया रन बना रखे हैं और टोटल अगर आप देखें एक एवरेज अगर आप निकालेंगे तो तकरीबन इनका पर मैच का एवरेज जो है वो 50 का निकलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 50+ का निकलेगा, तो इतनी उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं। फिर आते हैं सौस शकील, कोई खास पर प्लेयर नहीं है, लास्ट 4 मैचेस में 1 बार 50 लगाया और लास्ट मैच में फ्लॉप ही रहे थे, तो इन पर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, बाबर सबसे ट्रस्टेबल है, उसके बाद इमाम फकर भी काफी अच्छा कर रहे हैं, फकर का थोड़ा सा फॉर्म खराब दिख रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके मिड ऑर्डर की, जिसमें आपको मोहम्मद रिजवान दिखेंगे, राइटी बैट्समैन और विकेट कीपर बैट्समैन, फिर इफ्तिकार अहमद है जो 5 से 6 ओवर बॉलिंग कर लेंगे और ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, हालांकि ओडीआई में लंबे समय से अच्छा स्कोर नहीं करा और यहां पर रिजवान का भी परफॉर्मेंस ओडीआई में उतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छे T20 में करते हैं। इसके बाद आते खुशदिल शाह, जो पिछले मैच में पूरे 10 ओवर कर गए और आपने पीएसएल में भी इनको अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखा था, 10 के 10 ओवर इन्होंने कराए थे पिछले मैच में, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी, बैटिंग से भी बैकअप देंगे और अगर बॉलिंग फिर से 10 ओवर कराएंगे तो ये बहुत बढ़िया पिक होंगे आपके लिए। इसके बाद हसन अली है, जो पिछले मैच में विकेटलेस गए थे, हालांकि हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट मैच से पहले देखिए काफी विकेट लेके गए थे, टोटल आप 8 विकेट इनसे देख सकते हैं लास्ट 3 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है, आखिरी मैच में से इनका विकेटलेस गया था तो फर्स्ट बॉलिंग केस में फिर भी ठीक पिक होंगे। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मोहम्मद वसीम जूनियर, जो प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी करने वाले प्लेयर हैं, बट इनकी मेन डेथ गेंदबाज इस टाइम पे हरीश रॉफ है, हरीश रॉफ के साथ देखिए मोहम्मद वसीम जूनियर भी डेथ में गेंदबाजी करते दिखेंगे और हसन अली भी दिखेंगे। जाहिद महमूद को भी पिछले मैच में 2 विकेटें मिली थी, ये लेग ब्रेक बॉलर है, लास्ट मैच में ये बहुत दिखा गया कि स्पिनर्स ने अच्छा किया था, महमूद की 2 विकेटें, स्वैप्सन की 2 विकेटें, जंपा की 4 विकेटें, तो बहुत सारी विकेटें जो थी लास्ट मैच में वो स्पिनर्स लेके गए थे इसी वेन्यू पे, तो हो सकता है कि फिर से ये काम कर जाए, तो इन पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। बेंच प्लेयर्स में अगर हम बात करें तो इनका परफॉर्मेंस यहां से देख सकते हैं, बेंच में जो प्लेयर्स अवेलेबल है अगर खेलते हैं तो आप उनको पिक करें, ना पिक करें वो स्टैट बेस पे देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की जो बेंच में अवेलेबल है, ये कुछ और प्लेयर्स हैं जो बेंच में अवेलेबल है, जिसमें उस्मान कादिर काफी बढ़िया पिक हो सकते हैं क्योंकि स्पिन को वैसे भी इस वेन्यू पे काफी मदद है
और अगर इनको खेलने को मिला तो ये अच्छे पिक होंगे आपके लिए। आगे हम बात कर लेते हैं डेथ बोलर्स की, तो पाकिस्तान की तरफ से हरीश रॉफ, वसीम जूनियर और हसन अली, ये तीन प्रॉपर डेथ गेंदबाज है जिसमें मेनली टीम यूज हरीश रॉफ का करती है डेथ ओवर्स में। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें तो नेथन एलिस, जंपा और सीन अबॉट, इनको डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए। जंपा जिसमें स्पिनर है और एलिस और अबॉट डेथ बोलिंग में पेसर्स हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फैन टू प्ले की। फैन टू प्ले पे देखिए काफी ऑफर चल रहा है, अगर आपने डाउनलोड नहीं करा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। 100% बोनस वाला ऑफर तो है, वेलकम बोनस आपको 200% मिलता है, रेफर कोड एफएक्स लगा के आते हैं तो, और इसके अलावा आपको 5% का रियल कैश वाला भी ऑफर चल रहा है, ढेर सारे ऑफर चल रहे हैं। तो फैन टू प्ले एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए रेफर कोड एफएक्स लगा के, ताकि आपको 200% का फर्स्ट डिपॉजिट बोनस मिले, साथ ही साथ आपको कुछ 2-4 फ्री एंट्रीज मिलेंगी और गिव अवेज तो मिलते रहते फैन टू प्ले पे फैंटेसी एक्सप्रेस की तरफ से। तो जल्दी से डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को और मेरी टीम देख लीजिए आज की क्या रहने वाली है। मेरी आज की जो फैन टू प्ले की टीम रहेगी उसमें मैंने पिक करा है मोहम्मद रिजवान को, ट्रेविस हेड को, एरन फिंच को, बाबर आजम, इमाम उलक, खुशदिल शाह और फखर जमान। अगर आप चाहें टीम में लेना तो मार्नस को भी ले सकते हैं, काफी बढ़िया पिक होंगे, बट इस टाइम पे थोड़ा सा फॉर्म कमजोर चल रहा है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने मार्कस स्टोइनिस को लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं क्रिस ग्रीन को। इसके बाद हम बात करते हैं एडम जंपा, हरीश रॉफ और नेथन एलिस की, जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेंगे एडम जंपा और हरीश रॉफ, जिनको इवन आप डेथ ओवर्स में भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं, इनकी बॉलिंग पे आप विश्वास रख सकते हैं। जंपा डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं और स्पिन डिपार्टमेंट से सबसे बढ़िया प्लेयर इस वेन्यू पे यही है, और पेस डिपार्टमेंट से हरीश रॉफ से काफी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। तो ये मेरे टीम रहेगी, यहाँ पे बस कैमरून ग्रीन को चाहें तो आप स्टोइनिस की जगह पे पिक कर सकते हैं, ठीक है। कैप्टन मेरे ट्रेविस हेड है जो बॉलिंग पास से ओवर करेंगे, इनका हेड टू हेड 2 बार देखिए अपोजिशन खिलाफ 100 लगाया, इसलिए इन पे थोड़ा भरोसा बन रहा है। और बाबर आजम तो अच्छा करते रहते हैं, इनका ऑस्ट्रेलिया खिलाफ औसतन 50 के ऊपर का एवरेज रहता है और हेड का तो लास्ट 2 मैचेस से 100 जा रहा पाकिस्तान खिलाफ, तो वो देखें तो ये 2 प्लेयर सबसे बेस्ट हैं कप्तानी वाइस कप्तानी के लिए। कुछ अलग करना हो तो एरन फिंच के एक्सपीरियंस पे जा सकते हैं और इसके अलावा ये 2 बोलर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, जंपा और हरीश रॉफ, ठीक है। तो ये मेरी फैन टू प्ले की टीम है, कोई बदलाव होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम को भी और फैन टू प्ले एप्लीकेशन को भी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन करा हुआ है, तो वहां पे लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आईपीएल के सारे मैचेस आप एंजॉय कर सके, आईपीएल की हर मैच की प्रेडिक्शन हम आपको इस वीडियो पे दे देते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।